एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पिरिकल ज्ञान। दिस इज माधुरी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि आखिर केमिकल इंजीनियरिंग होती क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग क्योंकि एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है, तो इसमें जो भी सब ब्रांचेस हैं, अगर वो ब्रांचेस आपको चूज करने में कन्फ्यूजन आ रहा है तो किस तरह से आप उन ब्रांचेस को चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल्स एक केमिकल इंजीनियर को मिलता है और एक केमिकल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जहां केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच प्रोवाइड कराया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना होता है, तो ऐसा होता है कि नहीं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ ही अगर आपको IITs या फिर NITs में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रहा है और आप कन्फ्यूज हैं कि आपको इस ब्रांच को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डाउट भी आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस चैनल पे आपको कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड काफी वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हेल्प करेंगे। सो नंबर वन पॉइंट इज व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सोप बनाना है और जो भी उसका केमिकल रिएक्शन है उसको स्मॉल स्केल पे कराया जाता है, लेकिन एक बड़े स्केल पे उस सोप को कैसे प्रोड्यूस करना है, ये काम होता है केमिकल इंजीनियर्स का। क्योंकि आपने देखा होगा कंपनीज में बहुत बड़े मशीन्स लगे होते हैं, पाइप्स लगे होते हैं जिसमें कि केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। तो जो भी इसका प्रोसेस है, एक बड़े स्केल पे कैसे इस प्रोसेस को हैंडल करना है, ये काम जो होता है वो केमिकल इंजीनियर्स का होता है। नंबर टू पॉइंट है कि केमिकल इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़नी होती है। तो इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी होती है और इसके साथ ही आपको अप्लाइड फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी बहुत पढ़ना होता है। मैथ्स, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग का एरिया बहुत ही ब्रॉड है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस भी होते हैं जैसे कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सेरेमिक इंजीनियरिंग, पेंट टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, इंक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इस तरह से केमिकल इंजीनियरिंग का फील्ड जो है वो बहुत ही ब्रॉड है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस में आपको जो केमिकल इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर सब ब्रांचेस हैं वो भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि किसी किसी कॉलेज में आपको पेंट टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, ये सब ऑफर किए। तो कौन से वो कॉलेजेस हैं वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि जो भी ये केमिकल इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर सब ब्रांचेस हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी हो, ये सब जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि कौन सा ब्रांच लेना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील करता है लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, फूड एंड मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में यूजफुल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में। जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है वो मेनली डील करता है ह्यूमन हेल्थ एंड क्लिनिकल इंडस्ट्री से। तो हो सकता है कि आपको इन ब्रांचेस को लेकर कंफ्यूजन हो जाए, तो ऑब्वियसली आपके पास दो तीन कॉलेजेस का ऐसा लिस्ट होगा जिसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, तो आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जो सिलेबस है केमिकल इंजीनियरिंग का, हो सकता है जो सब ब्रांचेस हैं केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी, जो भी, तो उसका जो सिलेबस है उसे आप चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कंफ्यूजन है कि बायोटेक्नोलॉजी लेना है या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेना है, तो आप उसका एक बार सिलेबस चेक कीजिए। आई एम श्योर कि उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझ में आएंगी ही, एक्चुअली में आपको कॉलेज में पढ़ना क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने रहेंगे। इसके साथ ही आपको यूट्यूब पे और काफी सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप चेक कर सकते हैं, जिन्होंने भी उस ब्रांच से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनसे भी आप जो है इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिलेबस चेक करेंगे कॉलेज की वेबसाइट पर जाके, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी एक्चुअली में इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया क्या जाएगा। तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। नंबर थ्री पॉइंट है कि कौन कौन से कॉलेजेस केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच प्रोवाइड करते हैं। तो अगर IITs की बात करें तो IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास,
कानपुर, गुवाहाटी, BHU ये सारे जो टॉप के IITs है इनमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच मिल जाए। और अगर NITs की बात करें तो NIT त्रिची, सूरतकल, वारंगल, कैलीकट ये सारे जो टॉप के NITs है इनमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच मिल जाएगी। तो अब अगर बात करें कि जो केमिकल इंजीनियरिंग के सब ब्रांचेस है तो उसके लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस है जो कि ऑफर करते हैं आपको केमिकल इंजीनियरिंग के सब ब्रांचेस, तो ICT मुंबई इसमें बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ की आपको केमिकल इंजीनियरिंग के सब ब्रांचेस जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी इस तरह के ब्रांचेस आपको ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर UP में बात करें तो HPTU कानपुर है जिसमें कि आपको पेंट टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पॉलीमर ये सबसे रिलेटेड ब्रांचेस आपको मिले। अगर आप HPTU के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं जैसे कि उसमें एडमिशन कैसे होता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट, इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके HPTU से रिलेटेड डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही IIT लखनऊ, MMM, JMI और भी काफी सारे कॉलेजेस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है कि किस तरह के जॉब रोल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एक केमिकल इंजीनियर को हैंडल करना होता है। प्लांट मैनेजर, प्लांट डिजाइनर, प्रोडक्शन इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफिसर इस तरह के जॉब रोल्स एक केमिकल इंजीनियर को मिलते हैं। फर्टिलाइजर्स, पॉलीमर, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, फूड टेक्नोलॉजी इस तरह के जॉब एरियाज एक केमिकल इंजीनियर को मिलते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है प्लेसमेंट एंड सैलरी की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वो एब्रॉड जाके अपना रिसर्च फील्ड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो BTech के बाद प्लेसमेंट लेना पसंद करते हैं। तो अब बात आती है प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट कैसे होता है, तो जो भी IITs, NITs एंड टॉप के कॉलेजेस हैं इनमें कंपनीज खुद आती हैं और ऑन कैंपस प्लेसमेंट इसमें हो जाता है। तो अगर बात करें सैलरीज की तो IITs में एवरेज प्लेसमेंट एक केमिकल इंजीनियरिंग का अप्रोक्स 10-12 लाख पर एनम तक जाता है और अगर NITs की बात करें तो 7-9 तक प्लेसमेंट हो जाता है। फिर हो सकता है आपको IIT, NIT या फिर कोई टॉप का कॉलेज आपको नहीं मिल रहा हो, आप केमिकल इंजीनियरिंग से BTech कंप्लीट करने के बाद जॉब लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गेट, और गेट एग्जाम के थ्रू आपको PSUs में जॉब करने का ऑफर मिल, PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें कि BPCL, HPCL, ONGC इस तरह की कंपनीज आते हैं और इसमें एवरेज प्लेसमेंट अप्रॉक्स 5-6 लाख का होता है। और केमिकल इंजीनियरिंग से BTech करने के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको ग्रेजुएशन के लेवल पे देना होता है जैसे कि UPSC हो गया या फिर और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम, वो भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ ही आप चाहें तो MBA वगैरह भी परस्यू कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग से BTech करने के बाद MBA परस्यू करते हैं। तो इस तरह के कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं और भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।